25 लाख से वहां से निकाल दी, उसके बाद हमारा नंबर आया। डेली 8 से 10 बार्डी है, वो सादी बार्डी है, अलग आती है जो घर से वो अलग आती है। जिंदगी बसर कर दी इस चाहत में कि जब आखिरी सफर पर चलना होगा तो 4 कंधों पर जाएंगे। जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्त या रिश्तेदार आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने में साथ होंगे, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे जब मौत के बाद का ये आखिरी सफर भी तमाशा बन जाएगा। कोरोना चैन से जीने भी नहीं दे रहा और मरने के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दे रहा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की निर्मला बाई की कोरोना से मौत हुई तो आखिरी सफर कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में पूरा हुआ। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन उसके अपनों को ये तस्वीरें ता जिंदगी सताती रहेंगी। कहते हैं कि मौत हर परेशानियों से छुटकारा दिला देती है, लेकिन जब मौत ही परेशानी बन जाए तो कोई क्या करे। कोरोना काल का ये क्रूर सत्य है कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज तड़प रहे हैं। सारी मान्यताएं, सारे रिवाज कोरोना के सामने नतमस्तक हो गए हैं। तभी तो एक ईसाई दंपत्ति को 2 गज जमीन भी ना मिली। पूरी जिंदगी जिस धर्म को निभाया, अंतिम वक्त में कोरोना के चलते अंतिम क्रिया दूसरे धर्म की मान्यताओं से हुई। महोबा के बुजुर्ग दंपत्ति को उनका बेटा कोरोना के इलाज के लिए छतरपुर लाया था, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कोरोना से हुई मौत के चलते क्रिश्चियन कब्रिस्तान ने उन्हें जगह देने से इनकार किया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने को कहा। वक्त की नजाकत को समझते हुए बेटे ने माँ बाप का दाह संस्कार कर दिया। उनका एक लिखित में सहमति पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने सबको जलाने के लिए अपनी सहमति दी हुई थी। बनारस का मणिकर्णिका घाट, कहते हैं कि यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। मोक्ष की चाह में सैकड़ों अंतिम संस्कार यहाँ होते रहते हैं। दिन रात मृत्यु का उत्सव मनाने वाले इस घाट ने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। अभी का जो कोरोना काल में इंतजार है वो कम से कम 5 से 6 घंटे, सभी पब्लिक के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। हर तरफ खौफ है, मातम है, परेशान चेहरे हैं और दूसरी तरफ शमशान कब्रिस्तान में मौत का उत्सव। दिन हो या रात, भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में चिताओं का जलना जारी है। जलती हुई चिताएं इस महामारी की पूरी कहानी कह रही हैं। केस कांड से ज्यादा भयावह स्थिति थी कल वहां पर। मतलब एक एक एम्बुलेंस में 8-8, 10-10 बॉडीज रख के आ रही थी और शाम को 6:30-7 के बाद तो स्थिति बहुत खराब हो गई और वहां पर एक साथ 50-55 शव एक साथ जल रहे थे वहां पर। आम आदमी की पूरी जिंदगी लाइनों में कट जाती है। एक मौत ही तो होती है जिसमें गरीब हो या अमीर, सब आखिरी सफर के लिए एक ही जगह आते हैं। लेकिन कोरोना ने यहां भी कतार लगा दी। इंदौर के शमशान घाट में लाशों की कतार है और दुखी लाचार परिजनों के हाथ में है टोकन इंतजार का। मौत जिंदगी का अंतिम सत्य है, लेकिन कोरोना की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता और अंतिम सफर भी कटता है खौफ में, तन्हाई में।